बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे जो मैं मैथ्स करवा रही हूँ कि हम लोग चूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह मैंने चूज़ किया है क्लास 11 की हमारे ही बोर्ड की बुक को। लेकिन इससे सीख हर तरह के लोग सकते हैं, क्योंकि वजह यह है कि हम तो मैथ्स करवा रहे हैं ना, और मैथमेटिक्स की कोई ऐसी तो नहीं है ना कि वो कोर्स वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। मतलब सीखने का अमल, अगर कोई हम एडिशन सिखा रहे हैं या सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो हर जगह एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ही होगा। तो आप लोग उस लिहाज से इसे जरूर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर, और वेक्टर का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3, जो कोर्स वाइज चल रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज आप लोग सीख रहे हैं कि अगर एक्स एंड वाई दो मिड पॉइंट्स किसी भी वेक्टर के दिए हुए हों, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। देखिए भाई, आपको वेरीफाई करना है या शो करना, वेरीफाई करना है कि ये दोनों, मतलब इसको, इस कंडीशन को आपको वेरीफाई करना है जो ये हमें दी हुई है कि एक्स वाई वेक्टर जो है वो बराबर है हाफ पी एस के। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो वेक्टर है ना एक्स और वाई, वो कह रहे हैं एक्स जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का, ठीक है, और जो वाई है ना वो मिड पॉइंट है आर एस का। अच्छा, अभी हम पार्ट 2 में ना इसे ऐसा पोजिशन वेक्टर कर चुके हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो मैं अभी फिलहाल वैसे ही करूंगी। वैसे हम मिड पॉइंट्स के लाइंस फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, वैसे मिड पॉइंट से भी आ जाएगा। मैंने एक जगह देखा है कि मिड पॉइंट के फॉर्मूला से भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है, लेकिन फिलहाल हम इस तरीके से करेंगे। अब मैं पहले पी आर वैक्टर को चूज कर रही हूँ। देखें, पहले तो मैं एक्स और वाई मालूम करूंगी ना, तभी मैं इसमें पुट कर सकूंगी। सही है, भले से मुझे पी एस वेक्टर पता है, क्वेश्चन में पी एस वेक्टर गिवन है। तो ऐसा है स्टूडेंट्स के पी आर है, ठीक है, इस बार पहले हम पी आर को चूज करके। अच्छा, जो आर है ना वो मिड पॉइंट है, मतलब मैं कहूंगी जो एक्स है वो मिड पॉइंट है, जो आर है वो जबकि एक्स है, और वो क्या है, मिड पॉइंट। अब अगर मिड पॉइंट है ना, तो इसका मतलब कि जो आपके पास पी आर है, मतलब लाइक दिस पी, सॉरी ये पी है फर्स्ट वेक्टर है, और ये आर है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब कि जो मैं ये बनाऊंगी एन और एम बराबर होंगी। अगर बराबर होंगे, मैं दोनों में से किसी एक की जगह एन, मतलब एम की जगह एन भी रख सकती हूँ, एन की जगह एम भी रख सकती हूँ, और किस फॉर्मूले में रख सकती हूँ। अब थोड़ी डायरेक्टली बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको पहले की वीडियो उसकी देखनी होगी, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है पोजिशन वेक्टर का, जैसे आप लिखेंगे पोजिशन वेक्टर का नाम एक्स है, वैसे वो फॉर्मूला होता है आर ना, अभी मैं एक्स लिख रही हूँ, ठीक है, और फॉर्मूला होता है एम बी, बी मतलब सेकेंड वेक्टर, लेकिन यहाँ सेकेंड वेक्टर है आर, तो मैं आर लिख रही हूँ, और एन ए, एन होता है फर्स्ट वेक्टर, और एम है ए, यहाँ पे जो ए है वो पी है, मैं पी लिख रही हूँ, और एम प्लस एन लिख रही हूँ। स्टूडेंट्स ये है फॉर्मूला, 3.1 से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने इसको किया है सॉल्व। अच्छा, अब हमें कह दिया है कि भाई एक्स मिड पॉइंट है, चलो वो तो मिड पॉइंट के जरिए मुझे केस ये मिल गया कि भाई एम तो एम रहेगा, मैं आर को भी आर लिख देती हूँ, या ऐसे करती पहले फॉर्मूला बनाती हूँ। बस क्या बनाऊंगी मैं फॉर्मूला में कि पता नहीं ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, खैर एन की जगह एम लिख दूंगी, या एम की जगह एन, दोनों में से एक काम आपको करना होगा, ठीक है, और यहां भी एम तो एज इट इज रहेगा, एन की जगह एम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, एम कॉमन आ रहा है और ये आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर रिमेनिंग है, अरे सॉरी 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 सॉरी, आप नजर आ रहा है, ठीक है, और ये एम प्लस एन, कहाँ है भाई एम प्लस एन, हाँ एम प्लस एम 2m हो गया। अब 2m से एम और एम कट गया, तो मतलब आर प्लस पी वेक्टर करेंगे तो आंसर आ सकता है, और 2 से डिवाइड करना है, तो जल्दी से हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्या है आर वेक्टर हमारे पास, आर वेक्टर है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए 0 आए, आपको पता है आई की फॉर्म में लेना होगा आपको, तो 0 आए प्लस 1j, वैसे तो है 0 1 1, लेकिन हम लेंगे आई जे के की फॉर्म में, 0i प्लस 1j प्लस 1k कैप, ठीक है, और आपको सम करना है उसे। सम के लिए ब्रैकेट लगाने की नीड तो नहीं थी, लेकिन चलो पी पी वेक्टर क्या है, 1 1 और -1, तो 1i प्लस 1j प्लस, नहीं प्लस नहीं है इस वक्त, माइनस है, -1k कैप,
ठीक है, और टू तो है ही। आप लोग सोचेंगे इसे इतना सही लिखा है और इसको इतना कंडीशन करके बस है इक्वेटिव, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, आई वाले को सॉल्व करें। 0 प्लस 1 तो 1 ही आई होगा, एंड 1 प्लस 1 तो ये भी 1 ही हो, नहीं, 2 होगा, 1 क्यों होगा, 2 होगा, एंड 1 माइनस 1 तो ये 0 होगा, ठीक है। अब ये 2 सबके साथ स्प्लिट करके इसी स्टेप में लिखते हैं। वैसे आप लोग चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोग को पता है कि हम ये काम क्यों करते हैं। ये 1/2 i कैप एज इट इज रहेगा, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा +j कैप जस्ट, और ये 0 से 0 तो जस्ट 0 k कैप, ठीक है। 0 2 से डिवाइड होगा तो एज इट इज आंसर आएगा। अब आपने एक्स के लिए कर लिया ना, अब सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ आर एस। अब आपको यही काम जो है ना वो आर एस के लिए भी करना होगा। अब आर एस के लिए भी आप चाहे तो सेम डायग्राम को ड्रॉ करें, और सेम डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप ये करें कि आर एस है ना जस्ट यहाँ पे, चलो मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करती, मैं बता देती हूँ। यहाँ आर लिख दे, यहाँ एस लिख दे, आपको पता है सेम है समझाने के लिए, आर एस, बाकी सब तो वैसे के वैसा ही रहेगा। तो थोड़ा टाइम बचाते हैं हम, चलें फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे बनेगा वाई, आपको पता है आर एस है, यू है आर एस, तो सेकेंड वेक्टर एस है, तो आप लिखेंगे एम एस और प्लस आर एन एन आर इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर एम प्लस एन, किसी को कोई एतराज तो नहीं है, नहीं होगा एग्जैक्टली। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम वेक्टर्स को रखेंगे। आपको पता है कि एम को एन के बराबर ही लेना है, तो हम कर करा के इसी तरह की फॉर्म आ जाएगी। सही कह रही हूँ ना मैं, चले करके देख लेते हैं। एम को लेना है, यहाँ करती हूँ, चलो मैंने एम लिखा यहाँ पर, एस वेक्टर लिया और एन की जगह भी मैंने एम लिख दिया क्योंकि दोनों हैं बराबर, और यहाँ पर लिखा है एम प्लस एम, तो आपको पता है ये 2m बन जाएगा। यहाँ मैं एम लिखती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, और ये एस प्लस आर वेक्टर जो है वो हमारे पास रिमेनिंग होगा, और ये हो जाएगा 2m। अब एम से एम कैंसिल होगा, तो आपको ये भी दिख रहा है कि एस प्लस आर वेक्टर आया और डिवाइड में 2। अब इसको करना है थोड़ा सा सॉल्व, थोड़ा नहीं कंप्लीटली सॉल्व। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये तो है वाई वेक्टर, एस जो है हमारे पास वो है 2i0, 2 1 0 ना, तो आप क्या करेंगे इसे 2 1 और 0 लिखेंगे, यहाँ आई कैप लगाएंगे और फिर प्लस का ही है सही है जे लगाएंगे, और फिर प्लस है और 0 k कैप, ठीक है। अब आपके पास प्लस में है, ब्रैकेट नहीं लगा रही हूँ मैं, बिलावचा लगाया है मैंने यहाँ ब्रैकेट, इसको कैंसिल कर रही हूँ। अच्छा तो 0 1 और 1 तो वही 0i+1j+1k, ठीक है, ये हो गया, और वही डिनोमिनेटर में 2, ठीक है। अब ये वाई वेक्टर है तो 2 और 0 तो आप जमा कर लें, क्या बनेगा 2 0 2 2 बनेगा सही है आई कैप, और ये 1 1 2 ये भी 2 j कैप, ये 0 प्लस 1 1 k कैप। अब 2 को सबके साथ अलग अलग मेंशन करें इस तरह, यहाँ पे हो रही है कैंसिलेशन। ओके जल्दी जल्दी से कर लेते हैं हम, इजी है, ज़रा बोरियत नहीं होगी आपको अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे तो। यहाँ पे है आई कैप, ये जे कैप, एंड देन ये 1/2 k कैप। कैप्स कभी कभी मैं भूल जाती हूँ लगाना, बहुत इरिटेटिंग है ये, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, हमें करना था एक्स वाई को हाफ पी एस के बराबर प्रूफ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग करके देख लेती हूँ दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लिया है जिसमें हमें एक्स और वाई के वेक्टर को मालूम करना है। दैट्स मीन एक्स जो आया है जो कि ये रहा, सॉरी वाई को पहले लिखना होता है ना, वाई जो आया है जो कि ये रहा वो आपको पहले लिखना है। देखिए पहले मैं दिखा दूंगी आपको करना क्या है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने करना है, इसको हटाती हूँ, एक्स वेक्टर को, नहीं, वाई वेक्टर को सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर से माइनस करते हैं ना, वाई वेक्टर को माइनस एक्स वेक्टर से, ठीक
अब यहाँ पर आए और ये काम करना स्टार्ट किया। वाई वेक्टर ये रहा जो कि है आई प्लस जी प्लस हाफ के, ठीक है। अब इसको माइनस करना है एक्स से जो कि ये है हाफ आई प्लस जे प्लस 0 के। स्टूडेंट्स आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम वाइज भी कर सकते हैं। देखें 1 और हाफ है ना, हाफ आई में से जब 1 में से हाफ जब जाएंगे आपको पता है हाफ ही बचेगा, सही बात है ना। तो मैंने लिख दिया 1/2 i कैप, ये तो डायरेक्टली हो रहा है। अब प्लस जे और प्लस जे नहीं है ना, 1 मिनट, प्लस माइनस माइनस, 1 में से हाफ का है, हाफ बचा ठीक है। प्लस अब प्लस माइनस माइनस, जे में से जे गए 0, आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा 0 जे, ठीक है। अब प्लस ये है और माइनस प्लस माइनस, तो हाफ में से माइनस 0 हुए तो ये हाफ के ही रिमेनिंग आपके पास जो है वो आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है ना। अब राइट हैंड साइड पर आते हैं स्टूडेंट्स, मैं ले रही हूँ राइट हैंड साइड को और फिर देख रहे हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ये मैंने डॉट्स किस तरह लगाने की कोशिश की है, इजी है, इजी है, देखिएगा। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग को भी काफ़ी जो है वो इजी साउंड कर रहा है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड कहती है हाफ आर पी एस, ऐसा ही है ना। तो आपको पता है ना कि पी एस आपको पहले चाहिए, पी एस का मतलब यही हाफ तो एज इट इज रहेगा और ये एस माइनस मतलब एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर होगा। मैं ऐसा करती हूँ एस माइनस एस पी वेक्टर पहले जो है निकाल कर फिर हाफ लिख देती हूँ, या चले हाफ लिखते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाफ लिखा मैंने और फिर उसके बाद एस वेक्टर हमारे पास कितना है, एस वेक्टर है 2, 1 और 0। तो आप इसे करें 2 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप, और माइनस करना है इसको, ब्रैकेट किस खुशी में लगाया मैंने यहाँ पर, माइनस करना है मुझे इसको पी वेक्टर से जो कि है 1, यहाँ ब्रैकेट लगाना बनता है ठीक है। और यहाँ पर मैं दूसरा ब्रैकेट जो है वो चेंज कर देती हूँ, अब सारा बेटर है। पी वेक्टर है तो 1 i कैप ठीक है प्लस 1 j कैप और -1 k कैप, इस तरह है। अब माइनस भी है, अगर मैं इसको क्लियर स्टेप में करके दिखाऊँ ना आपको ताकि आपको क्लियर हो, तो वो इस तरह होता है कि 2 i 2 i रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस 1 i यहाँ लिखते हैं आप इसके साथ, फिर प्लस 1 j प्लस 1 j ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 1 j यहाँ लिखते हैं आप, प्लस 0 k 0 k कैप ही रहेगा, कैप्स लगा देते हैं ठीक है। और माइनस कर दें 1 k के साथ तो आप फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है भाई। क्या आ रहा है, 2 में से 1 गए तो ये आया 1 i कैप, प्लस माइनस माइनस तो 0 j कैप ठीक है, एंड प्लस माइनस माइनस 1 k कैप। अब ये 2 जो है डिनोमिनेटर में सबसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 1/2 हो गया, और अब यहाँ पे आई कैप एंड देन प्लस 0 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 0 ही आएगा, मतलब आप ये नहीं कि 0 डिवाइड बाय 2 दिखा दें, सही है। फिर माइनस, ये प्लस है सॉरी, माइनस हाफ के कैप ठीक है। अब आपके पास ये रही लेफ्ट हैंड साइड और ये रही राइट हैंड साइड, दोनों को कर लें कंपेयर, बिल्कुल इक्वल है ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये प्लस का है और ये माइनस का है। इसको मुझे देखना चाहिए कि ये मैंने क्या किया है, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ही हो चुका है, देखें माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है ना, ठीक है। अब सही है, अब ये बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया। तो मैं आराम से लिख सकती हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। और भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं सवाल को दोबारा उतार कर फिर इक्वल इस तरह करके, लेकिन फिलहाल मेरे पास प्लेस नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया है। तो
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल। प्रीवियस क्वेश्चन चैनल पर अपलोडेड है, उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर लाइक द 7 चैप्टर 4 10 12 और कुछ 6 भी शायद मैंने स्टार्ट किया था, वो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वहां से सीख सकते हैं। और प्रीवियस चैप्टर्स तो हैं ही। उसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।